जय हिंद पर नमस्कार। सुप्रीम बड़ी खबर, भारतीय सड़कों पर T-72 एंड T-90 हाइब्रिड टैक्स दिया। इसमें एक T-90 भीष्मा टूरेट है, एक T-72 MI अजय हॉल पर जो DRDO द्वारा विकसित एक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERSA लेस है। ये दो मेन बैटल टैंक्स का एक नया वेरियंट देखा गया था। जब यह आबादी में CBRD फैसिलिटी में एक टेस्ट रन पर था, MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारतीय सेना के T-72 M1 इंजन के साथ अपग्रेड कर रहे हैं, जिसकी क्षमता 780 HP हॉर्स पावर है। इसके साथ एक फायर कंट्रोल सिस्टम होगा और रिएक्टिव आर्मर फायर डिटेक्शन एंड सुप्रेशन सिस्टम, साथ ही साथ कॉम्पैक्ट इनपुट और प्रोग्राम कोड नेम प्रोजेक्ट राइनो के तहत नए कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम शामिल है। यह पहली बार नहीं है जब CBRD ने T-72 मेन बैटल टैंक्स के अपग्रेड के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। पिछली बार CBRD ने टैंक्स EX विकसित किया था, जिसमें T-72 M1 अजय और अर्जुन मेन बैटल टैंक की टूरेट एंड वेपन सिस्टम शामिल थी, लेकिन यह इंडियन आर्मी खारिज कर दिया था। T-72 M1 MBT मेन बैटल टैंक्स भारतीय सेना के आर्म्ड स्ट्राइक फॉर्मेशन में 1200 T-90 टैंक्स के बाद रक्षा की दूसरी पंक्ति बनाते हैं। भारतीय सेना अभी भी अपने शस्त्रागार में लगभग 1700 T-72 M1 MBT मेन बैटल टैंक्स का ऑपरेट करती है और अगले कुछ वर्षों में 700 से 800 पुराने लॉट को सेवानिवृत्त करेगी, जिन्हें मोर मॉडर्न T-90 और अर्जुन मेन बैटल टैंक्स MK1A द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। जी हाँ,